आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के एक वचन पर मनन करेंगे, कलातियों 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। भाइयों और बहनों, क्या आप अपने आत्मिक विकास की कमी से कभी निराश होते हैं? क्योंकि विश्वास का हर छोटा कदम विकास का एक महान कदम होता है, जिसका अर्थ है भलाई करना ही एक तरीका है जिसमें विश्वासी परमेश्वर के आत्मा को खुश करते हैं, और यह एक सबूत है कि परमेश्वर का आत्मा उनमें है। जो कुछ भला विश्वासी करते हैं उसका प्रतिफल उन्हें मिलेगा। जो लोग इस संसार में अच्छा करना मांगते हैं उन्हें बहुत से मौके मिलेंगे, वे हिम्मत खो भी बैठेंगे, लेकिन इस वचन में पौलुस भविष्य में मिलने वाले इनाम के विचारों से लोगों को हिम्मत दिलाता है। हमारी अपनी शक्ति पर निर्भरता केवल बीमारी और मृत्यु की ओर लेकर जाती है। आत्मा को रोपने से ही मुक्ति मिलती है। हमारे पापों की क्षमा के लिए मसीह में विश्वास द्वारा परमेश्वर हमें अपनी आत्मा देता है। केवल वही आत्मा अंत में अनंत जीवन देगा। मैं एक छोटी सी कहानी आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक महिला ने देखा कि रसोई के कोने में अंधेरे में एक पौधा धूल से भरा और फटी पत्तियाँ आर्किड के पौधे की तरह जो दिखाई दे रही थी, और उसने सोचा इसमें नई पत्तियाँ और कोपले निकलने पर वह बहुत ही सुंदर लगेगा। उसने उस गमले को खिड़की के पास रखकर ख़राब पत्तियाँ हटाकर उसमें अच्छी तरह पानी और खाद डाली। कई सप्ताह उसने पौधे पर ध्यान दिया किंतु नई कोपले नहीं आई। फिर उसने अपने पति से कहा, मैं एक महीना और देखूँगी और यदि उस समय तक कुछ नहीं होता है तो मैं उसे फेंक दूँगी। जब निर्णय का दिन आया उसकी आँखें विश्वास ही नहीं कर रही थी, क्योंकि 2 कोपले दिखाई दे रही थी। वह पौधा जीवित था। भाइयों और बहनों, कभी कभी हम भी अंधेरे और धूल में पड़े उस गमले की तरह हैं जिसमें परमेश्वर जीवन को देखना चाहता है, और ठीक उसी प्रकार निश्चित समय के इंतज़ार में हैं जब वो हमारे अंदर विश्वास और जीवन की नई कोपले देखेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने हमें अनंत जीवन पाने के लिए बुलाया है, लेकिन हम अपने आत्मिक जीवन में कभी कभी बहुत सुस्त और कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमें पता है कि आपसे हमें सामर्थ्य मिलता है और हम आपके और करीब आना चाहते हैं। इसके लिए आप हम सभी की सहायता करें। जो उद्देश्य आप हम विश्वासियों के जीवन में पूरा करना चाहते हैं उसे पूरा करें। हमें एक दूसरे के लिए खड़ा करें कि हम एक दूसरे के आत्मिक विकास में सहायता कर सकें। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमेन।